इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड में क्या है कि u वेग से कोई वस्तु चल रही है, इसकी गति में त्वरण a है, t समय में इसका वेग v हो जाता है, इस दौरान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। यहाँ से हमने समय गिनना शुरू किया, इसका मतलब t बराबर जीरो हुआ और चली गई दूरी इस समय जीरो थी। यहाँ t समय है, चली गई दूरी s हो गई। प्रारंभिक वेग यहाँ u था, यहाँ अंतिम वेग v हो गया। अगर ये किसी समय dt टाइम में चेंज इन वेलोसिटी dv हो, वेग लगातार बदल रहा है, तो dt टाइम में अगर dv वेलोसिटी चेंज होती हो, तो हम जानते हैं त्वरण a बराबर dv बाई dt, dv बराबर a dt। अब इसको यहां से इंटीग्रेट कर देंगे, dv इंटीग्रेशन a dt इंटीग्रेशन, लिमिट्स लिखेंगे। dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी u टू v, dt चेंज इन टाइम 0 टू t। और देखो 0 समय पर u चाल थी, t समय पर v चाल है। इन बातों को लिखना होगा, समझ में आ जाए तो लिखी जाएंगी, समझ में नहीं आए तो फिर समस्या होती है। इंटीग्रेशन 1 dv u टू v, a कांस्टेंट, क्योंकि टाइम चेंज होने पर त्वरण नहीं बदल रहा है, नियत त्वरण से गतिमान है वस्तु। अब फॉर्मूले हैं x की पावर n d बाई डी एक्स, एन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। अगर n का मान 1 हो तो d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस वन, 1 माइनस वन 0, 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी भी अंक या अक्षर की पावर 0 1 होती है तो 1 आ गया। यानी x का डिफरेंशिएशन 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 1 dx इज इक्वल टू x, 1 dv का v हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, 1 dt का t हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, v माइनस u t माइनस 0, v बराबर u प्लस at। बहुत सिंपल है। अब दूसरे की बात करें, दूसरे में दूरी निकालनी है और हम जानते हैं कि v बराबर ds बाई dt होता है, तो ds बराबर v dt और v का मतलब u प्लस at dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन,
तो इंटीग्रेशन ds, इंटीग्रेशन u dt, इंटीग्रेशन at dt, प्लस माइनस होते हैं तो अलग अलग कर देते हैं इनको, लिमिट्स लिखते हैं। ds मतलब 0 टू s, dt 0 टू t, dt 0 टू t, ds मतलब 1ds, तो s आ गया। u टाइम पर डिपेंड नहीं है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट जो भी थी। 1dt मतलब t, मतलब t माइनस 0, ये कांस्टेंट है t, तो ये हो गया t की पावर 1dt। अब इसमें फिर वो फॉर्मूला लगेगा x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो t की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 मतलब t स्क्वायर बटे 2। s, s माइनस 0, s, ut, a, ये फॉर्मूला लगा तो t स्क्वायर बटे 2, तो ut प्लस a, पहले t का मान ये रखते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर ये रखते हैं, तो यही रह जाएगा t स्क्वायर बटे 2। तो s बराबर ut प्लस हाफ at, इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन निकालते हैं कैलकुलस मेथड से। u से v हो गया t समय में, तो अनकॉन्स्टेंट है, तो इसमें जैसे दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, बेसिक फॉर्मूले, a बराबर dv बाई dt या v बराबर ds बाई dt, तो किसी भी एक फॉर्मूले को लेकर चल सकते हैं। जैसे यहीं पर ds बाई ds की गुणा करें, यहाँ dv बाई dv ऐसे करें, तो a बराबर, अब देखो ds बाई dt ये v होता है, तो v dv अपॉन ds, dv बाई dt a होता है, तो a ds बाई dv, a ds v dv, यहाँ v dv बराबर a ds। अब देखो दोनों ध्यान से देखें तो दोनों एक ही चीज हैं, और इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो a ds v dv, ds चेंज इन डिस्टेंस मतलब 0 टू s, dv चेंज इन वेलोसिटी u टू v, लिमिट हो गई, a कांस्टेंट है 1ds मतलब s आ गया, v dv मतलब v 1 पावर x की पावर n dx, v स्क्वायर बटे 2, तो v स्क्वायर बटे 2 माइनस u स्क्वायर बटे 2, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2 की गुणा हो जाएगी, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें ये लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हम a से शुरू करते हैं, तो पहले तो वही बात लिखनी पड़ेगी पूरी, कि अगर dt टाइम में चेंज इन वेलोसिटी dv हो
वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो हम जानते हैं कि ये बराबर डी वी बाई डी टी। अगर डी टी टाइम में डी एस डिस्टेंस ये तय करती हो, चेंज इन वेलोसिटी डी वी, ये बातें लिखनी होंगी। तो इस तरीके से यहाँ से शुरू कर सकते हैं, या डी टी टाइम में डी एस चली गई दूरी हो तो वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और डी टी टाइम में चेंज इन वेलोसिटी डी वी हो गुणा कर देंगे, यानी ऐसे करेंगे दोनों एक ही बात है। रटने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से हम शुरू करेंगे, इसको टेस्ट की दृष्टि से तैयार करेंगे, बहुत मेन चीज है। तो तीनों तरीके हमने बताए इक्वेशन ऑफ मोशन को डेरिवेट करने के, एल्जेब्रिक मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और कैलकुलस मेथड है। तो तीनों तरीके से इसको तैयार करेंगे और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे।